Do you want your hair to go from this to this? Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to another video. I hope you all are doing fine and आज फिर से I have a blow dry routine video for you all. मैंने इससे पहले भी एक ऐसा video share किया था but then उस time पे मेरे बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल थे and there was a different technique I was using. अभी मैं बहुत time से घर पे ही अपने बाल blow dry करती हूँ तो मुझे काफ़ी सारी नई techniques समझ में आई हैं that works better and this is the result that I get. That is what I'm going to share with you all in today's video. So yes, अगर आपको भी एक amazing सा blow dry करना है, saving a lot of money, not going to the salon. So yes, this is the video that you want to watch. Keep on watching till the very very end. But if you're new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. So this is the hair that we are starting with. Now एकदम freshly washed hair है. Make sure कि आपके बाल should be damp to touch. Like अभी मैं अगर अपने बाल छू रही हूँ, they are like 90% dry and this is the right point to start your blow dry at. Remember बिल्कुल ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए and एकदम ही dry नहीं होने चाहिए because in both the cases you will end up with फ्रिजी ब्लो ड्राई. दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ब्लो ड्राई में होता है सेक्शनिंग योर हेयर बिकॉज अगर आप अच्छे से सेक्शन नहीं करते हो तो अगेन आपके ब्लो ड्राई का डेफिनेशन और स्ट्रक्चर बालों का उतना अच्छा नहीं रहता है यू नो इन द एंड रिजल्ट. तो सबसे पहले हम हाफ कर लेंगे अपने बालों को. तो मैंने ऐसे पूरे क्राउन के हेयर को ले लिया है एक सेक्शन में एंड वी आर गोइंग टू टक दिस नीटली अवे क्योंकि क्राउन पर हम हमेशा लास्ट में काम करते हैं एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम सेक्शन ऑफ द हेयर. उनको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, लेफ्ट एंड राइट, एंड आई विल टक अवे वन सेक्शन. आपको जो भी सेक्शन पहले करना है आप उसको रख लो और दूसरे को जिस टक इट अवे एंड इस तरीके से टक करना कि आपके इस वाले सेक्शन के साथ ये मैस ना करे बिकॉज देन इट विल बी कंफ्यूजिंग एंड यू विल नॉट गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. इस सेक्शन पे मैं सबसे पहले काम करने वाली हूँ. सो अगेन यू कैन सी दैट इट इज़ अ वेरी थिक सेक्शन, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड कर लूँगी बिकॉज इट इज़ वे टू थिक एक बार में काम करने के लिए बट नॉट इतना ज़्यादा कि मुझे 3-4 सेक्शन करने पड़े. सो आई विल टक दिस वन अवे अगेन नीटली कि वो नीचे वाले के साथ मैस ना करे. एंड या दिस इज़ द सेक्शनिंग डन. दिस इज़ हाउ आई लाइक टू डू इट. नाउ कि आपकी सेक्शनिंग हो चुकी है, अगर आपकी ये वाले हेयर ज़्यादा थिक है तो मेक श्योर 3 या 4 सेक्शन में भी आप डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ योर हेयर. अगला स्टेप है टू यूज़ अ हीट प्रोटेक्शन मिस्ट. दिस इज़ फ्रॉम बी ब्लंट. मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो ऑनेस्टली बट दिस वन इज़ द ओनली हीट प्रोटेक्शन स्प्रे दैट आई यूज़ एंड आई रियली लाइक इट. इट डज द जॉब वेल एंड काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है. मैं यूजुअली इसको सेल पे ले लेती हूँ तो 600 पे मुझे 2 मिल जाते हैं. सो इट इज़ अ प्रिटी गुड डील. नाउ आई एम ब्रशिंग माई हेयर टू स्प्रेड the product evenly on my hair and now your hair is all prep and set to go. तो device के लिए मैं use कर रही हूँ ये Agaro का hair volumizer dryer and this is honestly not sponsored but I would love if they want to sponsor me but okay anyways. तो start करते हैं. Just ignore this, इसमें बहुत सारे बाल फंसे हुए हैं. I haven't cleaned it. बाहर की तरफ भी curl कर सकते हो and आप अंदर की तरफ भी कर्ल्स कर सकते हो बट मुझे पर्सनली अंदर इनवर्ड्स वाला जो ब्लो ड्राई लुक होता है वो ज़्यादा पसंद है. तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो इसमें 3 सेटिंग होती हैं. सबसे पहले देयर इज़ अ कोल्ड setting, then there is a medium speed high heat and then there is high heat and high speed. I like to do it on high speed and high heat क्योंकि जल्दी हो जाता है and वो ही stay करता है. अगर आप medium पे करोगे तो आपके बाल frizzy रह जाते हैं. So yeah, that is the setting that I like. सबसे पहले आप उसके opposite side पे blow dry करोगे ताकि आपके बाल एकदम neat हो जाए. You get a beautiful smooth finish. तो because मुझे inwards करना है अपना एंड रिजल्ट तो मैं सबसे पहले से ऐसे आउटवर्ड्स कर्ल करूँगी एंड मेक श्योर कि आप अपने बालों पे टेंशन लगा रहे हो. मतलब देयर शुड बी अ लिटिल पुल. एकदम ही ऐसे स्मूथली नीचे नहीं लेके आना है. सो जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ अ टेंशन एंड pull your hair downwards slightly. So now that is done. आप देख सकते हो the difference it has created. Already my hair is looking very smooth and frizz free. 2 से 3 बार कर सकते हो until unless you get the desired effect. Now to give it the shape and the structure, आप नीचे की तरफ से अपना blow dryer घुमाओगे. You will rotate it नीचे जाते जाते हैं. जिस तरीके से आप rotate करोगे जो नीचे वाले बाल हैं they will start रैपिंग themselves up in a curl and आपको एक टेंशन फील होगा नीचे बालों को खींचते टाइम. सो दैट इज व्हाट विल गिव इट द बाउंस एंड द कर्ल दैट यू वांट. एंड उसके बाद नीचे जस्ट कीप रोटेटिंग योर ब्लो ब्रश टू गिव योर हेयर अ ब्यूटिफुल कर्ल. एंड जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी यू हैव गॉटन द डिजायर्ड इफेक्ट, तो पूरा ऊपर की तरफ तक कर्ल द ब्रश. एंड अभी इसको ऐसा वर्टिकली पकड़ के जस्ट ट्विस्ट इट like this and this is what your hair would look like. जब तक ये 100% cool down नहीं हो जाएगा, do not touch it at all. Now अगर आपके बाल curls को बहुत अच्छे से hold नहीं करते हैं, तो at this point what you can do is you can use the rollers and roll करके आप अपने बालों को थोड़ी देर रख सकते हो जब तक वो cool down ना हो जाए. So now I will do the entire bottom section in the similar way. बॉटम पार्ट इज ऑल डन. नाउ मूविंग ऑन टू द क्राउन पार्ट. नाउ इसको मैं सेंटर पार्ट करके करती थी एंड दैट इज अ गुड वे टू फ्रेम योर फेस. अगर आपको अपना सेंटर पार्ट ही परमानेंट रखते हो आप एंड यू लाइक सेंटर पार्ट ऑन यू, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. बट what I found that works better for the volume and also अगर आप जैसे सेंटर पार्ट करके अपना ब्लो ड्राई करोगे तो आपका वो सेंटर पार्ट हमेशा रहेगा no matter what hairstyle you do. Although I love my center parted hair, but I still want to have an option कि अगर मेरे को नहीं सेंटर पार्ट करना है, I want to keep my hair back or I want to do a side part, तो मेरे बालों में मतलब वॉल्यूम रहना चाहिए no matter what parting I decide to go for. जबकि क्राउन पे हेयर है उनको you will divide it in 3 parts. एक तो ऐसे सेंटर वाला होगा एंड देन 2 ऑन ईदर साइड्स. तो सबसे पहले आई विल टेक 1 ऑफ दो सेक्शंस. तो मैंने सबसे पहले इस साइड का सेक्शन लिया है. जिस तरीके से हमने नीचे ब्लो ड्राई किया था, यू नो ट्विस्टिंग इट इनवर्ड्स, उसी तरीके से हम इस सेक्शन को भी ब्लो ड्राई करेंगे. अगेन आई विल डू इट इन 2 पार्ट्स. इसमें मैं वर्टिकल पार्टिंग करूंगी, बैक सेक्शन एंड देन द फ्रंट सेक्शन. सो आई विल टक दिस सेक्शन अवे फॉर नाउ एंड आई विल डू दिस पार्ट फर्स्ट. This is how you will section your hair for better volume. A few moments later. So now both the sides are all complete and this is what the hair looks like right now. You can see frizz बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको लगता है आपके किसी भी सेक्शन में इस पॉइंट पे फ्रिज है, तो वर्क ऑन इट राइट नाउ. जिसपे भी आपको ज्यादा फ्रिज लग रहा है, just go through it, you know, once and twice more. तो वो टेम हो जाता है. एंड अगर आपके बालों में अभी भी फ्रिज है, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है that you are not using enough heat, because honestly you will have to use the high heat wala setting. And इसीलिए I suggest to use a heat protection spray, because आप medium heat या low heat पे अगर करोगे तो you will not get good results. Now we are going to set the crown section and now इसकी जो sectioning होगी it will not be vertical sectioning, ये horizontally set होगा. तो मैं यहाँ से again इसको 2 parts में ही divide कर लूँगी. If you think आपके ज़्यादा बाल हैं तो you can do it in 3 parts and this section मैं पहले सेट करूंगी एंड ये वाला लास्ट में सेट होगा. एंड इसको हम सेट करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ में. जैसे अभी तक हमने सारी सेटिंग लेफ्ट या राइट में करी है, दिस विल बी सेट अपवर्ड्स. सो नाउ बिकॉज आई हैव टू डू इट बैकवर्ड्स, सबसे पहले मैं आगे से इसका फ्रिज टेम करूंगी एंड देन आई विल स्टाइल इट बैकवर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. हीट प्रोटेक्शन स्प्रे फर्स्ट एंड नाउ लुक हाउ आई एम डूइंग. इस तरीके से मैंने इसे बैकवर्ड्स कर्ल कर लिया है एंड आई विल होल्ड इट हियर फॉर 10-15 seconds. आई विल जस्ट ओपन इट एंड वॉल्यूम, जस्ट लुक एट दिस वॉल्यूम, कैन यू सी, बिकॉज आपने पूरे बाल को एक ही साथ सेट किया है. सो इट जस्ट फॉल्स ब्यूटिफुली एंड कोई भी एक स्पेसिफिक पार्टिंग नहीं दिखती है. अब हमारा ये लास्ट सेक्शन रह गया है. अगेन जैसे पीछे वाला सेक्शन सेट किया है ना, उसी तरीके से इसको भी सेट करेंगे. उसको मैंने पीछे की तरफ कर्ल किया है, इसको मैं अंदर की तरफ कर्ल करूंगी. तो चलो इसको स्टाइल कर लेते हैं. इसको अब मैं अगेन 10-15 सेकेंड्स के लिए इस तरीके से होल्ड करूंगी. नाउ आई विल रोल इट ओपन. Look at the curve, and when you flick it back, look at this volume. And this is the result that you get. Look at the salon like blow dryer. आपको कुछ भी नहीं करना है. जब भी आपको बाल बनाने हैं, you just have to comb them ऐसे inwards and एकदम set हो जाते हैं. For me, this lasts for up to a week. So yeah, with that we come to the end of today's video. I hope आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो. If so, like, share, comment and subscribe to the channel. नीचे कमेंट करके जरूर बताना what other videos you want me to make. And I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.